रहीम। टंडोलाए आर के वासियों, सिंध के शहरियों, तमाम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। रहमान रहीम। टंडोलाए आर के वासियों, सिंध के शहरियों, तमाम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिंध हुकूक रैली, सिंध हुकूक मार्च आज घोटकी से होता हुआ टंडोलाए आर पहुंचा है। मैं समझती हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर समझते हो कि ये मार्च हमने क्यों किया है और इसकी वजह क्या है। ये मार्च आपके हुकूक के लिए, उन हुकूक के लिए जो सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पिछले 14 साल से आपके हुकूक गसब किए हुए हैं, वो हुकूक आपको दिलाने के लिए ये रैली है जो पूरे सिंध में इस वक्त पूरी कामयाबी के साथ रवाना है। मेरे भाइयों, बात ये है कि हमारी सिंध, ये सिंध जो हर वसीले से मालामाल है, जिसे कुदरत ने बहुत कीमती खजाने अता किए हैं, लेकिन जिसके मालिक आप हो, और लेकिन उसके बावजूद आपके बच्चों को ना तालीम है, ना रोज़गार है, ना आपको सही खुराक है, ना सेहत की सहूलियात है, ना आपके पास रोड और रास्ते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये सारे वसीले, ये तमाम वसाइल, ये तमाम माल और दौलत कहाँ जा रही है? ये सारी दौलत जो आप पर और आपके बच्चों पर इस्तेमाल होनी चाहिए, जिनसे आपकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, ये तमाम दौलत सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, एक माफिया, एक कब्जा खोर उसके पास जा रही है। आप जानते हैं, आप यकीनन जानते हैं कि उसका नाम क्या है, और वो सिर्फ जरदारी है, वो जरदारी है जी। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे ही हम लोग सिंध में दाखिल हुए, तहरीक इंसाफ का मार्च सिंध में शुरू हुआ, वैसे ही बिलावल साहब अपना मार्च लेकर सिंध से निकल गए हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने सिंध के तमाम हुकूक अदा कर दिए हैं, सिंध के तमाम लोगों को उनकी बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी हैं, कि आप इस वक्त चले हैं पूरे मुल्क का हुकूक जो है दिलवाने? ये जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, इनसे कोई पूछे कि वो क्यों जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको दिखा रहा था पीटीआई रैली की, और उसके बाद जो कि मैंने आपको वीडियो दिखाई है GEU 40 9025 मालगाड़ी की, जो कि पासिंग हो रही है बाईपास से। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,